अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ हनी विंग्स की। बहुत आसान है, बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं और मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलें देखते हैं हमें इसके लिए क्या जी इंग्रेडिएंट्स तो चाहिए मैंने होंगे। सबसे पहले ये चिकन विंग्स ली हैं इस तरह, और ये मैंने 8 विंग्स ली हैं। तो मेरे जितने भी इंग्रेडिएंट्स होंगे वो इन 8 विंग्स के हिसाब से होंगे। मैंने एग लिया है एक, ये मैंने मैदा लिया है 2 टेबल स्पून, कॉर्नफ्लोर मैंने लिया है 2 टेबल स्पून, पिसी हुई काली मिर्च मैंने ली है 1/2 टीस्पून, नमक मैंने लिया है हसबे जायका, हसबे ज़रूरत। ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी लहसुन अदरक का पेस्ट, जो मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। सोया सॉस मैंने ली है 1 टीस्पून। तिल मैंने लिए, इनको मैंने हल्का सा भून लिया है, और ये मैंने लिए हैं 1 टेबल स्पून। कुटी हुई सुर्ख मिर्च मैंने ली है 1/2 टीस्पून। हनी आपको चाहिए है यहाँ पर 2 टेबल स्पून। केचप आपको चाहिए है 3 टेबल स्पून। और ये मैंने यहाँ लिया है पेरी पेरी सॉस, ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। लेकिन इसमें आप देखेंगे 3 अलग-अलग तरह के फ्लेवर्स आते हैं, वेरी हॉट, हॉट और मीडियम। ये मीडियम है और मैंने इसको 1 टेबल स्पून लिया है। लेकिन अगर आप हॉट या वेरी हॉट लेंगे तो फिर आप कम लेंगे, अगर आप माइल्ड लेंगे तो फिर आप उसको थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे। तो ये आपको इसका थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि ये काफ़ी तेज़ होती है। जी तो हाथों को मैंने कर लिया वॉश। ये मेरे पास जो विंग्स हैं, अब इसमें मैं डालूंगी ये सब चीज़ें। सबसे पहले नमक, काली मिर्च, कुटी सुर्ख मिर्च, सोया सॉस और लहसुन अदरक का पेस्ट। तो मैं इसको हाथ से ही अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मेक श्योर करें कि आप पहले अपने वॉश कर लें हाथों को, और जिन हालात से हम गुजरे हैं वहाँ पर तो बहुत ज़रूरी है कि हाथों को बार बार वॉश किया जाए। जी, और अब इसमें बारी आएगी बाकी सब मिक्स करने का। ये मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाल लिया, इसमें मैंने मैदा डाल लिया और ये मैंने इसमें एग डाल लिया। जी तो इसको भी मैं अब अच्छे से कर लूँगी मिक्स ताकि एक अच्छी कोटिंग इसके ऊपर आ जाए। सॉरी, इंग्रेडिएंट्स में हमें ऑयल भी चाहिए होगा, और ऑयल हमें चाहिए होगा इसको क्योंकि हमने डीप फ्राई करना है, तो उसके हिसाब से हमें जो है वो ऑयल चाहिए होगा डीप फ्राई करने के लिए। मैंने उसको ऑलरेडी पैन में डाल लिया हुआ है, तो अभी जब मैं फ्राई करूँगी तो फिर आप देख सकेंगे कि मैंने कितना ऑयल तकरीबन लिया है। इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ अच्छे जी से। तो ये अब अच्छे से हो गया मैरिनेट। आप इसको देखें, इस तरह से हर पीस के ऊपर लग गई अच्छी सी क्वांटिटी, अच्छी सी कोटिंग हो गई है इसकी। मैं इसको तकरीबन 20 मिनट्स के लिए रख दूंगी, ताकि मैरिनेशन अच्छी तरह से एक चिकन के अंदर तक चले जाए सब कुछ, और उसके बाद हम इसको डीप फ्राई करेंगे। जी तो 20 मिनट हो गए हैं, हमारा चिकन हो गया अच्छे से मैरिनेट। ऑयल को मैंने रख दिया था गर्म होने के लिए, चूंकि अब अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अब मैं 1 by 1 पीसेस कर कर तो ये ऑयल में डालती हूँ। बिस्मिल्लाह। अच्छा, आपने जब भी किसी भी चीज़ को आपने मैरिनेट किया हो और आप उसको अगर डालें कढ़ाई में, या आप उसको तवे पर कोई चीज़ जिस तरह की बना रहे हैं या पैन में बना रहे हैं, तो आपने उसकी साइड जो है वो फौरी तौर पर चेंज नहीं करनी है। उसका रीज़न ये है कि अगर आप साइड फौरी चेंज करते हैं तो फिर जो कोटिंग है वो उतर जाती है। तो एटलीस्ट एक साइड की कोटिंग को आप अच्छे से पहले स्टेबल होने दें, और जब वो साइड आपको लगे कि ये स्टेबल हो गई है तो फिर आप उसकी जो है वो आप साइड कर दें चेंज। जी तो फ्लेम यहाँ पर मैं कर देती हूँ मीडियम, और ये थोड़ा सा इसका जब नीचे से हो जाएगी ये, तो फिर इसकी मैं साइड चेंज कर दूंगी। जी तो अगर मैं इसको मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 2 मिनट कुक करती हूँ तो ये इसकी साइड्स जो है वो हो जाती है। मैं इनको 1 by 1 इनकी साइड चेंज कर लेती हूँ। देखिए लाइट सा कलर इन पर आने लग गया। अब मैं इसकी साइड जो है वो चेंज कर लेती हूँ इस तरह से। ये मैं इनकी साइड चेंज कर लेती हूँ, और यहाँ पर मैं फ्लेम को कर दूंगी बिल्कुल लो से मीडियम।
ताकि दोनों साइड जो हैं वो अच्छी तरह से कुक हो जाए, अच्छी तरह अंदर से गल जाए जी। तो 10 मिनट तकरीबन मैंने इसको कवर किया है मीडियम टू लो फ्लेम पर, और अब मैं ज़रा इसका फ्लेम मीडियम कर देती हूँ। ये हो गए हैं कुक बिल्कुल, थोड़ा सा मैं फ्लेम और हाई कर देती हूँ, मीडियम कर देती हूँ, ताकि इनका कलर दूसरी साइड से भी जो है वो अच्छा सा आ जाए, फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। अच्छा, तो कुछ लोग जब इन विंग्स को मैरिनेशन से पहले ही विंग्स को काट लेते हैं, दो कर लेते हैं। विंग्स आपने चिकन के विंग्स जैसे देखा होगा कि उस पर ऑलरेडी बहुत कम थोड़ा सा चिकन होता है, तो अगर उसको आप और छोटा कर लेते हैं, वैसे आपकी चॉइस है कि अगर आप उसको और छोटा करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन फिर जब आप उसको सर्व करते हैं तो मुझे लगता है कि वो खाने में उतना नहीं मज़ा आता, क्योंकि वो चिकन बहुत कम सर्व हो रहा होता है। तो मैं इनको स्लाइस नहीं करती हूँ, मैं इनको एज इट इज़ रखती हूँ, और लेकिन ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको लगता है कि बहुत छोटे पीसीज होने चाहिए तो आप बिल्कुल इसको बीच में से जहाँ पर जॉइंट आता है उस जगह से आप इसको कट कर सकते हैं, उस तरह से दो पीसीज हो जाएंगे। ये इंटायरली आप पर डिपेंड करता है, असल चीज़ होती है वो उसकी रेसिपी है, उसको आप ज़रूर फॉलो करें। मेरी इस रेसिपी को आप फॉलो करेंगे तो मैं बिल्कुल आपको गारंटी देती हूँ कि आपको बहुत मज़ेदार किस्म के हनी विंग्स मिलेंगे खाने के लिए जी। तो ये मैं इसको एक दफ़ा और देख लूँ, बिल्कुल अब इस पर कलर आ गया अच्छा सा दूसरी साइड पर भी, तो चलें इनको मैं डिश आउट कर लेती हूँ जी। तो चिकन को डिश आउट कर लिया, ये मैंने फ्राइंग पैन लिया और इसमें मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है वो मैंने ऑयल के डाल लिया जो अब गर्म हो चुका है। इसमें मैं ऐड कर लेती हूँ केचप, पेरी पेरी सॉस और ये है हनी। ये मैंने पूरा ऐड कर लिया, फ्लेम को हम रखेंगे बिल्कुल लो। अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, जी आपने बिल्कुल लो रखना है फ्लेम को, ताकि ये जो है हनी आपका नीचे नहीं लगे या कोई भी सॉस पैन के साथ नहीं लगनी चाहिए। अच्छा अच्छा, तो ये मैं इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेती हूँ, फिर मैं इसमें ये पीसेस जो हैं 1 by 1 ऐड कर दूँगी। अच्छा, तो ये अब जिस वक्त आप देखेंगे कि इसमें बबल्स आने लगे हैं, उस वक्त आप अपने चिकन के पीसेस जो हैं वो आप इसमें 1 by 1 ऐड कर दें। ठीक हो गया, ये यहाँ पर हम चिकन के पीसेस ऐड कर देते हैं और जो हमारे सेजन सीड्स हैं उनको भी मैं ऐड करती हूँ, लेकिन उनको मैं पूरा ऐड नहीं करूँगी, थोड़े से मैं गार्निश के लिए रख लेती हूँ जी। तो अब आपने इसको अच्छे से इसमें कर लेना है मिक्स, साइड इसकी चेंज हो जाए ताकि ये दोनों तरफ जो है हमारी सॉसेस वो अच्छे से इस पर लग जाएं जी। ये देखें जी, इस तरह से इसको अच्छे से इसमें कुक करती हूँ। तो आपने 3-4 मिनट जो है वो इसको अच्छी तरह कुक करना है। फ्लेम को मैं थोड़ा सा हाई कर लेती हूँ तो ये लो टू मीडियम पर आ जाएगा। आप अगर चाहें तो आप, अगर आपको हनी ज़्यादा पसंद है या आपको ज़्यादा स्पाइसी इनको रखना है, तो आप उस हिसाब से अपने टेस्ट के हिसाब से बिल्कुल आप ऐड कर सकते हैं और हनी या और पेरी पेरी सॉस। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आप जब भी जो भी चीज़ आप बनाते हैं आप उसमें नमक मिर्च का या मीठे का जो भी है, मैं आपको अपने घर के हिसाब से बताती हूँ। हम अपने घर में बहुत मीडियम सा खाते हैं,
मीठा भी और मिर्च भी, तो मैं उस हिसाब से आपको बताती हूँ। तो अगर आपको लगता है कि आपके घर में ज़्यादा तीखा पसंद है या ज़्यादा मीठा पसंद है, तो आप प्लीज़ उसको अपने टेस्ट के हिसाब से ज़रूर मॉडिफाई करें। जी तो ये हैं हमारे विंग्स बिल्कुल रेडी, अब हम इनको कर लेते हैं डिश आउट।